नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं संविधान की शपथ। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। संविधान की शपथ इसलिए क्योंकि देश का संविधान भारत के आम लोगों ने बनाया है और नीति बनाने वालों को सौंप दिया। देश संविधान से ही चलता है। हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक, संविधान की ही शपथ लेते हैं। देश में जो कानून है वो मूल रूप से संविधान की भावना के हिसाब से ही बने हैं। इसीलिए हम हर मुद्दे को संविधान की कसौटी पर ही कसेंगे। आठ दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी निवास पर धरने पर बैठे हैं। केजरीवाल के धरने के खिलाफ उनके दफ्तर में बीजेपी धरना दे रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन संविधान की शपथ में यही हमारा आज का मुद्दा है। सवाल यह है कि दिल्ली का कूड़ा कौन कर रहा है। आठवें दिन धरने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। 4 महीने की हड़ताल है इसके पीछे। सीसीटीवी, राशन, डेंगू, मिड डे मील जैसे कामों की मीटिंगों में अधिकारी नहीं आते। 6 दिन से केजरीवाल के खिलाफ धरने पर बीजेपी। दिल्ली परेशान है और अरविंद केजरीवाल एसी में मस्त है। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अभिशाप बन गए। केजरीवाल का आरोप, दिल्ली में हड़ताल पर आईएएस अधिकारी। आईएएस अधिकारियों का हड़ताल से इनकार। हर विभाग अपना काम कर रहा है, तो टू से दैट वी आर ऑन स्ट्राइक इज कम्प्लीटली रॉन्ग। चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ जो 19-20 फरवरी की रात में हादसा हुआ, उसके बाद हम सब भयभीत हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, जबरन घर में बैठकर नहीं दे सकते धरना। नेताओं के दंगल में फंस गई दिल्ली की जनता। दिल्ली का कूड़ा कौन कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है, दिल्ली का कूड़ा आखिर कौन कर रहा है? दिल्ली में इसलिए विवाद हो रहा है क्योंकि अधिकार को लेकर झगड़ा चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इसको लेकर हमारा संविधान कहता क्या है। संविधान में 69वें संशोधन 1991 के मुताबिक दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाएगा। अनुच्छेद 239 के मुताबिक एलजी दिल्ली के प्रशासक हैं। 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एलजी को ही दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख माना। अब इसी सवाल को लेकर हम लोगों के पास चलते हैं, लेकिन सबसे पहले उन मेहमानों से परिचय आपका करवा देते हैं जो हमारे साथ संविधान की शपथ में हिस्सा बनने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशीष खेतान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता, दिल्ली डायलॉग कमीशन के पूर्व उपाध्यक्ष आशीष खेतान हमारे साथ मौजूद हैं। पहले पत्रकार रह चुके हैं आशीष। संगीत रागी साहब हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। संगीत रागी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय मीडिया में लगातार रखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं संगीत रागी। और राजनीतिक हालात जिस तरह के बने हुए हैं उस पर संगीत रागी की टिप्पणी महत्वपूर्ण होगी। हमारे अगले मेहमान, उनका भी जल्दी से आपसे परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ पूर्व आईएएस अधिकारी हरदेव जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। यूपी में प्रशासनिक अधिकारियों के एसोसिएशन में रहे हैं हरदेव जी, पूर्व आईएएस अधिकारी तेज तर्रार, और इनकी भी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी हमारे साथ अनिल भारद्वाज कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच बहस शुरू करें उसके पहले आपको एक अहम जानकारी दे देते हैं और कृपया ध्यान से सुने, ध्यान दें। एबीपी न्यूज पर मेहमानों से गुजारिश है कि वो मुद्दे से जुड़े अपने तर्क रखें, ऐसी बातें ना करें जिससे कि किसी की भावनाएं आहत हों, क्योंकि हमारा मकसद चर्चा करना है, शोर मचाना नहीं। उम्मीद की जाती है कि सभी मेहमान शिष्टाचार से अपनी बात रखेंगे। और इन सब के बीच एक ताजा खबर आपको दे दे चर्चा शुरू करने से पहले, बड़ी खबर जो सामने आ रही है, केजरीवाल और आईएएस अधिकारियों के बीच की तनातनी खत्म होने की उम्मीद जगी है। आईएएस एसोसिएशन की ओर से ट्वीट किया गया है कि हम मुख्यमंत्री केजरीवाल की अपील का स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने आईएएस अधिकारियों से सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील की थी और कहा था कि वो अपनी तरफ से उन्हें सुरक्षा का भरोसा देते हैं।
जिसके बाद आईएएस एसोसिएशन की ओर से ये ट्वीट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वास्तव में ये झगड़ा सुलझ जाएगा जो पिछले 8 दिनों से जारी है, क्योंकि 8 दिनों से एलजी के घर पर धरना दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और इन सब के बीच ये उनके घर वो उनके घर धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन दिल्ली का कूड़ा कौन कर रहा है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी आशीष खेतान, अरविंद केजरीवाल के लिए एक बात बिल्कुल साफ है, करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ धरना करना है। सोशल साइट उठा लेंगे तो हर जगह अरविंद केजरीवाल के साथ ये चीजें चिपकी हुई मिलती हैं। टिप्पणी इस पर आपकी। ये आरोप कांग्रेस और बीजेपी लगाते रहते हैं, और अगर हमारा आप रिकॉर्ड देखें तो इस सरकार ने, दिल्ली सरकार ने पिछले 3 सालों में जितना डिलीवर किया है उतना शायद ही किसी सरकार ने डिलीवर किया हो। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली दिल्ली में है। आज पूरे देश में कहीं भी पानी मुफ्त नहीं, दिल्ली में पानी मुफ्त है। पिछले 3 सालों में 400 कॉलोनी जहां पर कभी 70 साल में पानी भी नहीं पहुंचा था, हमने वहां पानी पहुंचा दिया। ठीक है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से और शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को ठीक करके हमने बहुत सारे काम किए हैं। हम और काम करना चाहते हैं। पिछले 3 सालों से लगातार ये कोशिश होती रही कि किसी तरीके से हमारे कामों में रोड़े अटकाए जाएं। कभी उसमें एलजी साहब रोड़े अटका देते हैं, कभी किसी अफसर के द्वारा रोड़ा अटका दिया जाता है। पहले से ही दिल्ली सरकार के पास इस तरह आधे से ज्यादा पावर्स आप लोग लगाते तो रहे हैं, या तो वो एमसीडी। लेकिन आईएएस एसोसिएशन का ये कहना है कि हम लोग तो पहले से ही काम पे हैं, बकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, और अभी जो ताजा ट्वीट सामने आया है आईएएस एसोसिएशन की ओर से, उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल के का जो ट्वीट था उसका स्वागत किया है और कहा है कि हम तो पहले से ही काम पर हैं, लेकिन हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। देखिए, आईएएस ऑफिसर्स में बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जो अच्छे हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि तमाम तरह के दबाव अच्छे अफसरों के ऊपर भी हैं। आपको याद होना चाहिए कि राजेंद्र कुमार नाम के एक आईएएस ऑफिसर, जिनके बारे में पूरे काडर ये कहता है कि वो एक ईमानदार ऑफिसर है, उनको एक 2007 के पुराने केस में उठाकर बंद कर दिया, जेल में डाल दिया गया। आपको याद होगा कि ऐसे तमाम और आईएएस अफसर दिल्ली में हैं जिनको प्रताड़ित किया गया अगर उन्होंने काम करने की कोशिश की। प्रताड़ित करने के आरोप तो आप लोगों के ऊपर भी लगे हैं ना, जो बाकियों को छोड़िए, मुख्य सचिव की पिटाई करती है आम आदमी पार्टी और बचा ही क्या, फिर ये आरोप तो आपके ही ऊपर है। देखिए, इसमें थोड़ा सा फर्क समझने की कोशिश करनी पड़ेगी चित्रा आपको जी। आपने कहा कि हमारे ऊपर आरोप हैं, उस आरोप के बाद आपने क्या किया? आपने 2 MLAs को अरेस्ट किया, तमाम MLAs की पूछताछ की हुई, आपने चीफ मिनिस्टर के 5 घंटे पूछताछ करी, उनके घर की तहकीकात करी। मुझे लग रहा है कि जितना प्रताड़ना और हैरेसमेंट दिल्ली में आम आदमी पार्टी के MLAs और मिनिस्टर सरकार का हुआ है, पूरे मुझे याद नहीं कि हाल फिलहाल में कोई ऐसा और आपको एग्जांपल मिलेगा। ठीक है, आशीष आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, और इसी सवाल के साथ संगीत रागी साहब के पास मैं चली जाती हूं। ठीक है, चूंकि बीजेपी से नेता हमारे साथ मौजूद नहीं है, इसलिए संगीत जी आपसे मेरा ये सवाल है सीधा सा, ये बताइए कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल काम करना चाहते हैं और मोदी के शह पर आईएएस अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं, या पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है? चित्रा जी देखिए, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई तो एक उसने वादा किया था इस देश की जनता से और खास करके दिल्ली से जनता से कि हम एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देंगे और हम एक अल्टरनेटिव गवर्नेंस का मॉडल देंगे। दुर्भाग्य है, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मतलब हम ईमानदारी, पारदर्शिता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, त्वरित शासन, सुशासन, ये सारी चीज़ें वायदे के हिस्से थे। भाई भतीजावाद इनके यहाँ, इनके यहाँ क्रिमिनल केसेस इनके MLAs के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ इनके MLAs को, दिल्ली में लोकतंत्र की धज्जियां कौन उड़ा रहा है, दिल्ली का कूड़ा कौन कर रहा है, संविधान की शपथ में आज यही बड़ा मुद्दा है और लगातार इस पर चर्चा जारी है। सीधे मैं चलती हूं पूर्व आईएएस अधिकारी हरदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरदेव जी, क्या पहले ऐसा देखा गया है कि आईएएस अधिकारियों की एक बड़ी फौज सामने आए और किसी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ वो अपनी बातें रखे? कल हम सब ने दिल्ली में ये देखा, और केजरीवाल का सीधा आरोप है कि मोदी के शह पर आईएएस अधिकारियों ने काम नहीं करने दे रहे और वो खुद धरना देने चले गए। इस पर मैं चाहूंगी आप जरा रोशनी डालें कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। देखिए, पहले ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं। मैं एक
सही स्थिति रखना चाहूँगा जी कि सरकार और सरकारी तंत्र, सरकारी तंत्र में वो लोग हैं जो वेतन भोगी हैं और जिसे नौकरशाही की प्रणाली हम कह सकते हैं, ये लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसी योजना का, जनता तक वो सुविधाएं उपलब्ध करते हैं, वो सर्विसेज देते हैं जो उनसे अपेक्षा की जाती है। तो ये एक बड़ा संगठित वर्ग है हमारा, नौकरशाही प्रणाली जो है इसमें स्तर हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, एक दूसरे का सम्मान करते हुए और काम को अंजाम देते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति में चुनी हुई सरकार आती है, सरकार जनता के लिए कुछ कार्य करना चाहती है, जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं, जनता की भलाई के काम कार्य हैं, उनको करना चाहती है, वो सरकारी तंत्र के माध्यम से ही होता है। एक भ्रम फैला कि सरकार और सरकारी तंत्र दोनों अलग अलग हैं, और मेरा ये मानना है कि वास्तव में ये दो अलग नहीं हैं, सरकार और सरकारी तंत्र एक हैं। अगर ये दोनों एक हैं सर, तो फिर यहाँ पर सही कौन है और गलत कौन है? और जो, हाँ मैं बता रहा हूँ, नौकरशाही जो है, नौकरशाही को जो सरकार है उसको सम्मान देते हुए कार्य करे, और सरकार का काम है जी कि जो काम लेना है वो लें। सरकार नौकरशाहों के साथ अभद्रता करना, उनके साथ मारपीट करना, ये किसी भी तरह अच्छा नहीं माना जाता है। बिल्कुल। और जो घटना हुई मारपीट की वो निश्चित ही निंदनीय थी, और ये इतने दिनों तक गतिरोध बना रहा ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एक व्यवस्था देने के लिए बैठे हुए हैं, बने हुए हैं, अगर हम व्यवस्था दोनों मिलकर नहीं दे पा रहे हैं, नौकरशाह अगर मंत्री के बुलाने पर नहीं जा रहा है तो हुकुम वदूली हो रही है जी। और अगर नौकरशाह जाता है और मंत्री उनके साथ बदतमीजी करते हैं, कुछ करते हैं, तब भी ये ठीक नहीं है। दोनों को अपने अपने मर्यादा में रहते हुए और काम को अंजाम देना है, ईमानदारी से काम करना है। सवाल तो यही है ना सर, मर्यादा का उल्लंघन कौन कर रहा है? और उसमें बड़ा, क्योंकि आईएएस अधिकारी या तो सच बोल रहे हैं या फिर अरविंद केजरीवाल सच बोल रहे हैं, इसका फैसला होगा कैसे, यही तो बड़ा सवाल है। मैं लौटूंगी आपके पास इन सबके बीच। अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ, लौटूंगी सर मैं आपके पास। कांग्रेस पार्टी के इस वक्त नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। अनिल जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? आप लोग तो दोनों हाथों में ऐसा लग रहा है लड्डू है, उधर केजरीवाल भी नाखुश, इधर मोदी के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, बीच में बैठकर कांग्रेस ताली बजा रही है। जी बिल्कुल ताली नहीं बजा रहे हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दिल्ली की जनता की है, बहुत अफसोसजनक है, शर्मनाक है। दो सरकारें दिल्ली में, मल्टीपल अथॉरिटी सिस्टम है, दो सरकारें काम कर रही हैं, केंद्र की सरकार के भी कुछ विषय हैं, एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार है। एक लाइन में सिर्फ केंद्रीय कौन बोल रहा है? नहीं, निश्चित तौर पे या फिर अरविंद केजरीवाल? नहीं, झूठ का, क्योंकि इनका मामला कोर्ट में गया हुआ है, इसमें मैं झूठ और सच पे नहीं आ रहा हूं। लेकिन दिल्ली में कूड़े की जिम्मेदारी दोनों सरकारों की है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, अहम की लड़ाई है। आज विडंबना यह है कि जो व्यक्ति दिल्ली में जब सरकार बनाने के लिए गए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच से बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी, मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय संवेदनाएं, वो खत्म हो गई है। चीफ मिनिस्टर की मानवीय संवेदनाएं आप देखिए, एक एक जब ओथ लेने के बाद कहते हैं इंसान का इंसान से वो भाईचारा, आज तीन तीन मर्डर हत्या हो जाती है पानी पे दिल्ली में, एक आंसू नहीं निकलता सरकार। आठ दिन से मुख्यमंत्री केजरीवाल धरना दे रहे हैं, छह दिन से बीजेपी के नेता उनके दफ्तर में धरना दे रहे हैं, सबके बीच दिल्ली की जनता का क्या, उनके बारे में, दिल्ली की जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा। और इसी सवाल के साथ मैं सीधे आशीष एक बार फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि तमाम उंगलियां सिर्फ आपके ऊपर उठी हैं, किस बात का अहंकार है मुख्यमंत्री को? मतलब 2015 में अगर पूरा का पूरा मैंडेट आपको मिल गया तो फिर धरने की राजनीति एक बार फिर से करेगी आम आदमी पार्टी? कम से कम दिल्ली के लोगों का तो सोचें आप, जिन्होंने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है। कोई सवाल ही नहीं उठता है चित्रा अहंकार का, और अगर अहंकार होता तो कल आगे बढ़कर अरविंद केजरीवाल ने जो परिवार के मुखिया होने के नाते अपील करी है सभी आईएएस अधिकारियों को, सारे ब्यूरोक्रेट्स को, कि मैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं, मेरे बस में जो कुछ भी है मैं आपकी सुरक्षा, आपके आत्मसम्मान को बचाऊंगा। ये बताइए आईएएस अधिकारियों की सुरक्षा को खतरा किससे है? आप लोगों से? नहीं नहीं, ये बताइए उनकी सुरक्षा को खतरा किससे है, उनको डर किस बात का है?
मुख्यमंत्री को ये क्यों कहना पड़ता है कि मैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं? अब मैं इसी बात को कह रहा हूं चित्रा, कि जो पिछले 3-4 महीने से एक शगुफा खड़ा किया गया है कि हमारा आत्मसम्मान, हमारी सुरक्षा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सुरक्षा को खतरा किससे है? अगर जिस एक IAS अधिकारी की कंप्लेंट पर एक मुख्यमंत्री के घर में तहकीकात हो जाए, रेड हो जाए, पुलिस पार्टी पहुंच जाए, 5 घंटे उसे पूछताछ हो, उसके 2 MLA को अरेस्ट कर लिया जाए, 10 दिन वो जेल में रहें, अरे आप लोग ऐसा तो कहा नहीं जा सकता है कि किसी बात इतनी छोटी है। अगर किसी मतलब आशीष, ये तो हास्यास्पद है, इतने बड़े अधिकारी के साथ अगर मारपीट होती है उसके बाद ये कहेंगे बहुत छोटा मामला है, 2 विधायकों के साथ ऐसा क्यों किया गया? दिल्ली का कूड़ा कर कौन रहा है? संविधान की शपथ में पिछले आधे घंटे से लगातार इसी बात पर हमारी चर्चा जारी है। दिल्ली में सत्ता की लड़ाई के बीच एक ट्वीट सामने आया है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। ये ट्वीट फिल्मकार फराह खान के पति शिरीष कुंदर का है जिसमें उन्होंने दिल्ली के हालात पर तंज किया। हालांकि उन्होंने ये ट्वीट हटा लिया, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, क्या दिल्ली में आपका सर्विस सेंटर है? दिल्ली में LG न काम कर रहे हैं और न दूसरे को काम करने दे रहे हैं। LG इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को टैग करते हुए ये ट्वीट उनकी ओर से किया गया, जिसके बाद LG इंडिया का जवाब भी आया है। असुविधा के लिए हमें खेद है, कृपया आप हमें पूरी जानकारी दें ताकि हम जल्द से जल्द आपकी मदद कर सकें। ये तो एक तरह का तंज हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीच का रास्ता कोई निकलेगा क्या? इसी सवाल के साथ संगीत रागी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी तो जो कूड़ा कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन बीजेपी भी कम नहीं है, क्योंकि सीधे आरोप बीजेपी के ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है कि उन्हीं के इशारे पर LG ये सब कुछ कर रहे हैं और इसी वजह से IAS अधिकारी केजरीवाल की बात को सुनने को तैयार नहीं है। जब केजरीवाल जी ने अपनी राजनीति शुरू की थी तो उन्होंने पूरे देश में ऐसा स्थापित करने की कोशिश थी कि बाकी सारे लोग चोर, बेईमान और भ्रष्ट हैं, सिर्फ वही एक सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं, वही सबसे ज़्यादा जो है वो साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं। लेकिन सबने देखा है कि आज उन्होंने सब पे उन्होंने आरोप लगा और सबसे माफी मांगी, इसलिए इनकी बेईमानी और झूठ बोलने की एक आदत सी हो गई। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं, वो अपने नहीं 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 सुन लीजिए चलने नहीं दे रही तो वो बेचारे क्या करें? सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया है, मुझे बोलने दीजिए। वो एक इसेंट्रिक तरीके से, जिसे कह सकते हैं कि वो अपने विम्स एंड कैप्रिसेस पर सरकार चलाना चाहते हैं। संविधान के अनुसार 93 के अनुसार जो है दिल्ली सरकार को LG के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। तो एक ढंग से ये देखिए कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद हैं एक ढंग के सलाहकार की भूमिका में हैं और हाईकोर्ट के जजमेंट ने भी इसको प्रूफ किया। सुन लीजिए, मेरी बात जीती थी ना आम आदमी पार्टी ने, जीतने कम से कम उस मैंडेट का तो मान रखना चाहिए ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन से चलेंगे या बीजेपी को इस बात का दर्द तो नहीं है? मतलब 3 साल गुजर चुके, अभी भी दर्द है क्या उस बात का? सुन लीजिए, किसी को कोई दर्द, बीजेपी से ये प्रश्न कीजिएगा बीजेपी को दर्द है या नहीं दर्द है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि संवैधानिक, सुन लीजिए, मेरा ये सवाल है, इसलिए कह रहा हूँ कि केजरीवाल संवैधानिक लोकतंत्र का मतलब है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और केजरीवाल को रूल ऑफ लॉ में बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। ठीक है, वो एजुटेशनल पॉलिटिक्स से आए हैं, उन्होंने गवर्नेंस का मॉडल नहीं दिया है और राजनीतिक रूप में वो प्रासंगिक रहने चाहते हैं। जो एंटी मोदी कैंप बन रहा है उसमें भी उनको जगह नहीं मिल रही है, काम नहीं होगा तो जनता के बीच अरविंद केजरीवाल को ही जाना है ना, और प्रासंगिकता बनाने के लिए 2019 और उसके बाद 2020 वो क्या करेंगे? ठीक है, चलिए मैं आशीष केदार के पास चलती हूं इसी सवाल के साथ। आशीष, दरअसल ये पूरी की पूरी लड़ाई पावर को लेकर है क्या? अरविंद केजरीवाल इस बात को समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली? नहीं, हम इस बात को समझने के लिए तैयार हैं कि आज की तारीख में दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन जो संविधान की बात की गई, हमने एक संविधान ये अपनाया है कि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्थापना करी देश में, कि ब्यूरोक्रेसी सारी इंस्टीट्यूशंस पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह हैं, और पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह कैसे होती हैं? वो अपने मंत्रियों के थ्रू पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होती हैं। यहाँ पर अगर दिल्ली में एक ऐसी व्यवस्था हम बना देंगे कि इन्होंने जो अभी कहा कि चीफ मिनिस्टर एडवाइजर है, हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं, कैबिनेट सलाह दे सकती है, LG तय करेगा,
तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप कल फिर जाके वोट मांगिएगा दिल्ली में लोगों से कि मुझे मुख्यमंत्री इसलिए बनाओ, मैं बीजेपी का हूँ, मैं सिर्फ सलाहकार बनना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आपको जब इलेक्शन मैं सलाहकार बनना चाहता हूँ, आप मालूम नहीं चाहते हो, आपने कहा नहीं नहीं शीला दीक्षित सरकार पहले देखिए आपके बीच है ना, मदन लाल पुराना की सरकार काम मैं तो मैं नहीं करना चाहता हूं। पांडिचेरी में सरकार है काम, पुडुचेरी में सरकार मैं नहीं करना चाहता हूं। लेकिन केजरीवाल केजरीवाल जो है वो इसेंट्रिक माइंडसेट से काम करना चाहते हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। नहीं तो बाकी सारे पागल संगीत रागी एक बार बोलने दीजिए आशीष। ठीक है संगीत जी, आशीष की जब इन्होंने किरण बेदी को कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाइए और वोट दीजिए, तो इन्होंने ये कहा था कि किरण बेदी जो है दिल्ली की सलाहकार होंगी और सारी ताकत जो है एलजी नजीब जंग के पास होगी, वो तय करेंगे सही है गलत क्या है। ये लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं आप, लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए मैं आशीष के पास लौटूंगी, मुख्यमंत्री ने इस ढंग से धरना प्रदर्शन जाकर के एलजी के घर में जाकर के धरना प्रदर्शन किया, तो फिर वो क्या करेंगे, उनके पास क्या ऑप्शन बचता है जरा बताइए आप। आईएएस अधिकारी अगर उनके कहे के अनुसार काम नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, उनके पास भी तो कोई ऑप्शन होना चाहिए ना। एक चुने हुए मुख्यमंत्री का मान रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री नहीं डिलीवर करता है तो मुख्यमंत्री के घर में जाकर के सारी जनता आकर के धरना प्रदर्शन। सर तो इसके लिए हमें चुनावों का इंतजार करना चाहिए ना, जाकर के मुख्यमंत्री चुनावों के दौरान खुद ही जनता इसका हिसाब देगी। ठीक है, नहीं मैं ये बिल्कुल नहीं बताना चाहती हूँ, मेरा ठीक है मैं लौटती हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के पास चलती हूँ। आशीष मैं आपका जवाब जरूर लूंगी, लेकिन यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगी अनिल भारद्वाज जी, ये बात तो सच है ना कि अगर एलजी आईएएस अधिकारी काम नहीं करने देंगे केजरीवाल को तो उनके पास उस तरह का पावर है नहीं, तो फिर वो काम करेंगे कैसे, क्योंकि जनता के बीच जवाब तो नहीं देना है, चुनावों के दौरान जनता पूछेगी ना आपने क्या किया। नहीं, जवाबदेही से बचने की कोशिश दोनों राजनीतिक पार्टियां कर रही है जिनकी सरकारें दिल्ली में काम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां एक और श्री अरविंद केजरीवाल जी जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर गए, उनसे भी अलग उन्होंने जिस तरह की मानवीय संवेदनाओं की बात की थी, आज जो 62 विषय 67 से उनके पास है। विषय पर मत जाइए, एक बात बताइए, शीला दीक्षित यहां पर सालों तक मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, एक बात बताइए उन्होंने एलजी के सलाहकार की तरह काम किया या फिर मुख्यमंत्री की तरह काम किया। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री की तरह काम होता है और मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के जल बोर्ड के चेयरमैन है, दिल्ली जल बोर्ड में किसी तरह के और अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं है। क्या दिल्ली की जनता जो प्यासी है उसकी जवाबदेही किसकी है, दिल्ली में जो पर्यावरण के हालात पिछले दिनों में उसकी जवाबदेही किसकी है, श्री अरविंद केजरीवाल जी की है। वो अरविंद केजरीवाल जो 2013 में जब जनता ने उन्हें चुनके भेजा तो उन्होंने 49 दिन में राजनीतिक तरीके से यह कहकर सरकार अपनी छोड़ दी कि मैं दिल्ली में लोकपाल जन लोकपाल लाना चाहता हूं। वो जन लोकपाल में आशीष जी से सवाल कर रहा हूं चित्रा जी, वो जन लोकपाल आज 3.5 साल बाद कहां खड़ा है? ठीक है, आपका सिटीजन चार्टर जो अकाउंटेबल बनाता अधिकारियों को, जिस प्रशासन से आप कह रहे हैं लड़ाई है उस प्रशासन को अगर कोई अकाउंटेबल बनाता, वो आपका सिटीजन चार्टर कहां है? चले, अगर आप आपकी वजह से भयभीत हो रहे हैं अधिकारी तो किस सरकार की जिम्मेदारी है? सरकार भय मुक्त करती है किसी भी शासन प्रशासन और जनता को। अगर अधिकारी अगर सरकार से भयभीत होंगे तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि अधिकारी अगर सरकार से भयभीत होंगे तो फिर वो जवाबदेह और जिम्मेदार बनेंगे कैसे, और अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं आपको सुरक्षा देने का काम करूंगा तो सवाल यह है कि क्या इस सुरक्षा के सुनिश्चित हो जाने के बाद आईएएस अधिकारी और अरविंद केजरीवाल के बीच अच्छा तालमेल हो पाएगा, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता का सवाल है। राजधानी दिल्ली में जो ड्रामेबाजी पिछले कई दिनों से चल रही है, दिल्ली की जनता उसके दर्शक भी है और शिकार भी, क्योंकि उसके सुख दुख से किसी भी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीच का रास्ता आईएएस एसोसिएशन और दिल्ली सरकार के बीच निकलेगा कैसे, और इसी सवाल के साथ आशीष मैं सीधा आपका रुख करना चाहूंगी। ये बताइए मुख्यमंत्री केजरीवाल काम पर कब लौट रहे हैं? मुख्य अरविंद केजरीवाल पिछले 3.5 साल से काम पर हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। बीच बीच में उनकी जब कभी तबीयत खराब हो जाती है, जब वो ज़रूर इलाज के लिए जाते हैं, जब उनको खांसी उनकी बढ़ जाती है, ये काम करने के लिए हम वहाँ बैठे हैं। हम क्या कह क्या रहे, हमारी मांग क्या है काम और कि हम जब मीटिंग भूषण पर धरने को भी जोड़िए, शिक्षा पर स्वास्थ्य पर, तो आईएएस अफसर्स हमारी मीटिंग में आए, यही तो हमारी मांग है कि हम अगर कोई आदेश दें
कि किसी कॉलोनी में पानी नहीं पहुंच रहा है, संगम विहार में पानी नहीं है, या प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, पानी का छिड़काव करिए, या कहीं किसी इलाके में बिजली कट गई है तो वहाँ पे बिजली फौरन रिस्टोर की जाए, यही तो हम कह रहे हैं। तो हम किसको कहें? अगर अधिकारी हमारा फ़ोन कॉल नहीं लेंगे, अधिकारी हमारी मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे, तो हम क्या प्लान करेंगे, कैसे विकास करेंगे? और ये कैसे संभव हो पाया कि अधिकारी किसी कैबिनेट की चीफ मिनिस्टर की मीटिंग्स में ना जाए? ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि अधिकारियों पर पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार का है। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार कैसी कहती है वैसे अधिकारी नाश्ते नहीं अपने दफ्तर में काम पर कब लौटेंगे? मैं बस एक लाइन में इसका जवाब चाहूंगी। और राज्य में संभव ही नहीं है। अपने दफ्तर में काम पर कब लौट रहे हैं केजरीवाल? केवल इसका जवाब दीजिए। जैसे ही अधिकारी 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 मुख्यमंत्री की मानते थे, यही कारण था कि मुख्यमंत्री आवास पर वो रात दफ्तर चले गए। अच्छा, मतलब तब तक इंतजार किया जाएगा। ठीक है, पूर्व आईएएस हरदेव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत देर से उनके पास में नहीं गई हूँ। हरदेव जी, क्या आपको लग रहा है कि अब आईएएस एसोसिएशन ने जो ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जो अब पिघल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, बीच का रास्ता अब निकल जाएगा, और जो आरोप आईएएस अधिकारियों के ऊपर लग रहा है कि केंद्र के शह पर वो लोग काम करने नहीं दे रहे, इस पर मैं चाहूंगी कि जरा आप अपनी राय स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो सुरक्षा की गारंटी केजरीवाल जी कर रहे हैं, बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि किससे सुरक्षा देंगे ये? पुलिस इनके नियंत्रण में नहीं, केंद्र सरकार के नियंत्रण में, सुरक्षा क्या? सुरक्षा तो वो अपने आप ले लेंगे। क्या ये गारंटी लेंगे कि इनके मंत्री इनके विधायक अब मारपीट नहीं करेंगे? और उधर आईएएस एसोसिएशन वो नासमझी ये कर रहा है कि क्या कोई विधायक या मंत्री अगर किसी अधिकारी के साथ मारपीट करता है तो कानून का शासन है, एफआईआर दर्ज करके और जो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है वो कार्रवाई की जाए। अपने कार्य से विरत होना, कार्य न करना, कार्य के प्रति लापरवाही होना, क्या वो आईएएस एसोसिएशन इंटरफियर करके ये स्थिति सुधारेगा? ये दोनों स्थितियां बड़ी हास्यास्पद लग रही हैं और एक दूसरे का, एक अपने अहंकार में दोनों पड़े हुए हैं। ठीक है, और दोनों को ये छोड़कर अपने अपने काम में जुटाना चाहिए। ना तो आईएएस अधिकारियों को सुरक्षा की देने के किसी के द्वारा जरूरत है, वो स्वयं सुरक्षा ले सकता है, और अहंकार खत्म होना चाहिए दोनों ही तरफ से। बिल्कुल सर, जल्दी जल्दी एक छोटी छोटी सी टिप्पणी, सबसे पहले अनिल भारद्वाज जी आपसे। बिल्कुल सर, देखिए चित्रा जी, जो दिल्ली में आज हालात है, दोनों सरकारों के अहम की लड़ाई है। हम अपील करेंगे कि दिल्ली जनता के जनहित में, जन कल्याण में इनको डायलॉग स्थापित करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। दिल्ली की जनता त्रस्त है, परस्त है, और दोनों राजनीतिकरण कर रहे हैं मुद्दों का। अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से बचने के लिए हर इशू पे आप एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि वो काम नहीं करने दे रहा है या हम काम नहीं कर रहे हैं। हम सीधे सीधे तौर पे मानते हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार और दिल्ली में दूसरी सरकार, दोनों जवाबदेही से बच रहे हैं। देखिए, अधिकारियों ने साफ कहा है कि वे काम से नहीं बच रहे हैं, वे काम करते आ रहे हैं। उन्होंने फाइल दिखाई है और मीडिया के सामने दिखाई है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो गवर्नेंस देने के बजाय वो दिल्ली को राजनीतिक अखाड़े के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और ये पूरी कवायद जो है वो 2019 से पहले चुनाव की पहले की कवायद है। अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश के तहत क्या धरना दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये बड़ा सवाल है। आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। दिल्ली के दंगल के बीच राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है। आपको बता दें, जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे मामले को देख रही है। दिल्ली के दंगल पर राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष ने ट्वीट किया है कि ड्रामा चल रहा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं, केजरीवाल और बीजेपी दोनों धरने पर हैं और इस तरह से ड्रामा चल रहा है, दिल्ली की जनता पीड़ित है इस ड्रामे के बीच। राहुल गांधी की बात तो चल ही रही थी, और जो अराजकता है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। राहुल गांधी की ओर से ट्वीट करके सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों ही लोगों पर निशाना साधा गया है। दिल्ली के दंगल पर राहुल गांधी का ये ट्वीट सामने आया है। एक तरफ ये कहा कि अराजकता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि केजरीवाल और बीजेपी दोनों ही धरने पर है। फिलहाल जो बहस हमने की है संविधान की शपथ में, अब उस पर मेरी राय क्या है, जल्दी से इसके बारे में आपको जानकारी दे देती हूं, क्योंकि हमारी राय स्पष्ट है इस पूरे मामले में। राजधानी दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, मेरी राय के हिसाब से आईएएस केजरीवाल विवाद सुलझाएं, दिल्ली को झगड़ा नहीं बल्कि काम चाहिए, और उसी काम के तहत 70 में से 67 सीटें दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को 2015 में दी थी। उम्मीद यही कि दोनों बीच का रास्ता निकालेंगे, झगड़ा जल्दी सुलझाएंगे और दिल्ली की जनता के सुध लेंगे संविधान की शपथ में। इसी के साथ मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।